गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? दिस कॉल इज स्क्रीन नाउ भी बीइंग विजिबल रिकॉर्डेड। है? ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो हमने कुछ सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर का हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज देखा था, जिसमें बेसिकली आपका क्यूबॉइडल शेप है, क्यूब है एंड सिलेंडर है, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि ऐसे कोई टर्म्स आपको समझ में नहीं आया हो? ऐसा कुछ है क्या? इसमें सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले इस तरह से याद रखने हैं कि ताकि आप उसको समझ कर याद करना है, ठीक है? पहले सबसे पहले मैं बेसिक चीजें मैं बता दे रहा हूँ कैसे फॉर्मूले को याद करेंगे। देखिए, सिंपल है। अगर आपके पास एक क्यूबॉइडल शेप है, मतलब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का मतलब आपके पास क्या है, मैं सिर्फ क्विक रिविजन करा रहा हूँ आपका, ठीक है? देखिए, आपके पास एक क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइडल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। क्या होता है? थ्री डायमेंशनल। तो लेकिन हम लोग पढ़ाई किस पे कर रहे हैं? टू डायमेंशनल पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आपका जो मोबाइल स्क्रीन है या लैपटॉप स्क्रीन है, वो क्या है? टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि वो एक सरफेस है। तो सरफेस पे थ्री डायमेंशनल को तो दिखाना कठिन होगा, लेकिन उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, ये आपका एक, ये क्या है, लेंथ है, ठीक है ना? आप इसको लेंथ मान सकते हैं। जनरली क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा वाला लेंथ होता है ना, जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, उसको लेंथ बोलते हैं। उससे जस्ट छोटे वालों को क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। और उससे उससे जस्ट छोटे वाले को हाइट बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही बोलेंगे, लेकिन जनरली हम लोग यही टर्म यूज करते हैं। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको एल से डिनोट किया था। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ और एच का मतलब हाइट, ठीक है ना? तो इसका आप लोग बता सकते हैं वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, बता सकते हैं वॉल्यूम? इस फिगर का वॉल्यूम क्या होगा बताइए। क्या होगा इसका फिगर, इसका एल इंटू, और इसका बताइएगा आप, अगर लेंथ आपका मीटर में दिया हुआ है, अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट आपका मीटर में दिया हुआ है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कैसे जानेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है? कैसे जानेंगे कि वॉल्यूम की बात हो रही है? मैं आपसे बोलूँ कि लेंथ की जब बात होती है, तो मैं बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल कि 5 मीटर, 5 मीटर लेंथ, लेंथ का मेरे को क्या चाहिए, स्टिक चाहिए। या कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरा जो पेन है, पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह जैसे 10 सेंटीमीटर क्या आपको डिनोट कर रहा है, वहां पे आपको डिनोट क्या कर रहा है, वो लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे ये क्या डिनोट करेगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, आप जिसमें यूनिट लीजिएगा, लेंथ आप जिसमें लीजिएगा, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि सारा लेंथ सेम ही हो, मतलब सेम यूनिट का हो। अगर मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने इसका सरफेस एरिया देखा था। तो सरफेस एरिया सरफेस एरिया देखा था। तो हमने क्या किया था, सरफेस एरियाज को हमने दो 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 हिस्सों में कैटेराइज किया था। कहने का मतलब वर्टिकल सरफेसेस एंड हॉरिजेंटल सरफेसेस। वर्टिकल में जो क्या होता है, जो हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब कि कितने वर्टिकल सरफेसेस हैं बताइए, वर्टिकल सरफेसेस कितने हैं, 4। एक ही स्टूडेंट आपका आंसर आ रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं बताइए, धीरज, अनुज, जय, दिविजेश, तनुश्री, अविगना, आप लोग भी जवाब दीजिए, ठीक है ना?
ये मैं आपका क्विक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पे वर्टिकल सरफेसेस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक ये वर्टिकल सरफेस है, ठीक है ना, ये वाला वर्टिकल सरफेस है। इसके बाद इसके पैरेलल कौन सा हो जाएगा, पीछे वाला हो जाएगा, ठीक है ना, इसके पैरेलल कौन सा हो जाएगा, पीछे वाला हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, इसके पीछे वाला हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक ये हो जाएगा वर्टिकल सर, मैंने जो भी कर जो भी मैं दिखा रहा हूँ अभी वर्टिकल सरफेसेस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा सा तकलीफ होगी इसमें देखने में, लेकिन जितना कोशिश करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 4 वर्टिकल सरफेसेस होते हैं और 6 ओवरऑल सरफेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देखिए 4 वर्टिकल सरफेसेस में आपको निकाल लेना है, उसका एरिया कैसे होगा, एरिया उसका निकालने के लिए आपको वर्टिकल सरफेसेस का लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो ये सब फॉर्मूला है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इन क्वेश्चंस में आपको कोई तकलीफ है यानी कोई प्रॉब्लम हुआ है, जो ऐसा क्वेश्चन जो नहीं बना है इसमें बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, ताकि आपको कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं उसको हम लोग देख सकें। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। एक आपके पास सिलेंडर है, एक आपके पास, मैं एक रफ फिगर मैं बना रहा हूँ, इसका हाइट आपको निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, हाइट निकालना है, और इसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कौन सा दिया हुआ है, रेडियस कहने का मतलब हुआ कि आपका बेस का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपका रेडियस दिया हुआ है, देख रहे हैं, समझ आ रहा है ना। यहाँ पर आपको ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है, तो आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए ये रेडियस हो गया, ठीक है, और इसका हाइट होगा यहाँ पर क्या, कुछ हाइट होगा यहाँ पे, कुछ इसका हाइट होगा, ठीक है ना, इसका कुछ हाइट होगा, वही हाइट हमको निकालना है, वो हाइट कितना होगा वही हमको निकालना है। सबसे पहले तो मैं इस तरीके से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग रियल लाइफ से इसको रिलेट कर सको। अब देखिए यहाँ पे किस क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि आपको ये वाला एरिया नहीं दिया हुआ है, ऊपर और नीचे वाला एरिया नहीं दिया हुआ है, ऊपर और नीचे वाला एरिया नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको कौन सा दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया, समझ आ रहा है ना। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ, कर्व सरफेस एरिया आपका ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये जो है कर्व सरफेस एरिया ये दिया हुआ है। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कोई लिख सकता है कमेंट बॉक्स में बताइए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता बता सकते हैं, सिलेंडर में क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके, वेरी गुड।
देखिए क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है ना, 2 पाई आर एच, वेरी गुड, 2 पाई आर एच, ओके। ये 2 पाई आर एच क्या है, कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, और हमको क्या हुआ है, यहाँ पे सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या मतलब आपको मालूम चल रहा है, यहाँ पे एरिया की बात की जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे एरिया की बात की जा रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1980, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सबसे मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, 2 पाई आर एच। आर क्या है, आर बता सकते हैं क्या है, आर आपका रेडियस है, और एच क्या है, हाइट है सिलेंडर का। आर जो है बेस, बेस जो है बेस आपका कौन सा, बेस ये रेडियस है, ये वाला ये आपका क्या है, आर है, समझ रहे हैं ना, ये आपका आर है। और आपको यहाँ पर इसका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को सिंपली एच फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, एच का मतलब हाइट, ठीक है। एच को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और जितने भी टर्म्स हैं, कौन से टर्म्स हैं, 2 पाई आर, इसको क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड में इसको भेज देंगे, राइट हैंड साइड में इसको भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1980 बाई, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 पाई का वैल्यू बताइएगा क्या होता है, कितना लेते हैं अप्रोक्सीमेट, इंटू आर का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और ये आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ध्यान रखना है, पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो एग्जैक्टली 12/22/7 नहीं होता है, ये रॉन्ग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्स में ले लेते हैं, लगभग लगभग में इसके बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको क्या कंसीडर करना है, 22/7 ही, क्या कोई पूछेगा क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो कहिएगा नो, ये अप्रोक्सीमेट है, क्या है, पाई का वैल्यू क्या है, ये अप्रोक्सीमेट है, बता सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई आपसे पूछेगा पाई का वैल्यू 22/7 क्या ये एग्जैक्ट है, तो कहिएगा नो, हम लोग अप्रोक्सीमेट लेते हैं, जो कि इसके बराबर मान सकते हैं कि इसके बराबर है, ठीक है ना, ये वेरी करता है थोड़ा मोड़ा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर, मेरे को सॉल्व करके बताइए। बताइए सॉल्व करके, करके बताइए इसको, इसका हो जाएगा। मैं इसको इधर लिखता हूँ आपको फिर से, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 180 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आता है। सॉल्व कीजिए इसको और बताइए मेरे को कितना आ रहा है।
इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर बताइए कितना आ रहा है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, आपका फाइनली जो आएगा आंसर वो सेंटीमीटर में आएगा। वो सेंटीमीटर बताइए कितना सेंटीमीटर होगा। कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आप आंसर बताइए कितना होगा। आपका ये आंसर क्यों ऐसा आ रहा है? मैं देखिए सॉल्व करता हूँ। 11 2 जा 11 2 जा 22, और इसको 11 से कट करेंगे तो हम लोग 180 आएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 आएगा। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। और ये 15, ये आ जाएगा 3। तो आपको फाइनली कौन सा बचा? दो टर्म बचे, कौन कौन से? 7 और 3। तो 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21। मैथ रहे आपका, वैसा क्यों आ रहा है आंसर? आपने कुछ, ये क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 21 सेंटीमीटर आपका हाइट आ जाएगा। जय, आपका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन ये क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आया सबको? अब देखिए, आप लोगों का नेक्स्ट जो है, आपको कोण के बारे में पढ़ना है। तो कोण के बारे में मैंने डिस्कस किया था। देखिए, कोण का वॉल्यूम जो होता है, ओके ओके नो प्रॉब्लम। देखिए, कोण का वॉल्यूम जो होता है, इसमें एक चीज मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपने तो अभी जस्ट सिलेंडर के बारे में पढ़ा, ठीक है। सिलेंडर के बारे में अभी जस्ट आपने पढ़ा। अब कोण कैसे रिलेटेड है सिलेंडर से, उसको रिलेटेड किस तरह से है, थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है और दिख रहा है आप लोगों को सिलेंडर। इसके बाद एक आपके पास कोण है, मैं कोण को डिनोट कर रहा हूँ। इन दोनों का जो सरफेस है सेम, कहने का मतलब है कि इनका हाइट जो है, किनका किनका हाइट, सिलेंडर और कोन का हाइट क्या है, दोनों का सेम है, और रेडियस भी क्या है, सेम है। ये देखिए, आपको कोन और सिलेंडर दिख रहा है ना, इन दोनों का हाइट अगर सेम रखें, कहने का मतलब मैं एक सिलेंडर लेता हूं और दोनों का सपोज मैं क्या करूंगा, दोनों आप लोग कुल्फी खाए हैं ना, कुल्फी कुल्फी हो गया, या जो एक कुल्फी शेप जो होता है, कुल्फी जो होता है वो आपका इसी टाइप का होता है, कोन के शेप का होता है, ठीक है। आप चाहें तो इस टाइप का एक शेप भी बना सकते हैं आप अपने पेज की हेल्प से। पेज होता है ना, पेज पन्ना की हेल्प से आप लोग कोण बना सकते हैं, और आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज इसका हाइट कितना है, एच है, तो आप मान लीजिए, सपोज आप 10 सेंटीमीटर के हाइट का आप एक सिलेंडर भी ले लिए, क्या कि आप सिलेंडर भी ले लिए और एक कोन भी ले लिए, दोनों का हाइट क्या रख रहे हैं आप, 10 सेंटीमीटर। सपोज मान लेता हूं मैं क्या रख रहा हूं, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको सुनते रहना सिर्फ। और इन दोनों का रेडियस भी क्या रखिए, सेम रखिए। सपोज इनका रेडियस मैं क्या करता हूँ, 2 सेंटीमीटर मैं मान लेता हूँ, ठीक है। 2 सेंटीमीटर मैं
मैं अपने मन से मान लिया। अब देखिए, अब आप आपको क्या करना है, ये तो दोनों कंटेनर खाली रहेगा, खाली रहे ना, जो कोन है आपका, कोन है और ये जो है सिलेंडर है, इसमें स्पेस होगा, अंदर में क्या होगा, स्पेस होगा ना, तो इस स्पेस में आप कुछ भी फील कर सकते हैं ना, इस स्पेस में आप कुछ भी फील कर सकते हैं ना, बताइए, इस स्पेस में आप कुछ भी तो भरा जा सकता है, पानी भर सकते हैं, मिल्क भर सकते हैं, समझ आ रहा है, बताइए, समझ आ रहा है, इसमें पानी भर सकते हैं, मिल्क भर सकते हैं, और सैंड भर सकते हैं, मिट्टी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको इसमें दो कंडीशंस रखने हैं। दो कंडीशंस क्या है, इन दोनों का हाइट सेम रहना चाहिए, इन दोनों का क्या कीजिए, हाइट सेम रखिए, इन दोनों का हाइट सेम रखिए और रेडियस भी सेम रखिए। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आप ये पहले बताइए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा पानी किसमें भरेगा, इन दोनों में आप माने, इन दोनों में सबसे ज्यादा पानी किस किस कंटेनर में रहेगा, कोन में या सिलेंडर में, सिलेंडर में, वेरी गुड। तो ये आपको मालूम चल गया कि नहीं, सिलेंडर में आपका क्या होगा, आपको वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है ना, ये तो आपको सीधा दिख रहा है कि आपको इन दोनों में किसमें आपको ज्यादा दिख रहा होगा, ये आपको कॉमन सेंस है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कभी आपको टाइम मिले, तब ऐसे तो आपके पास टाइम ही टाइम है, इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं आप घर पे, क्या कीजिए, एक क्या कीजिए, आप आपके आसपास में सैंड होगा, पानी, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक रेडियस सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, पेज के हिसाब से, मान लीजिए आपने 20 सेंटीमीटर रेडियस सिलेक्ट किया, और उस रेडियस और एक हाइट सिलेक्ट किया, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। आपने क्या किया, आपको क्या करना है, एक रेडियस सिलेक्ट करना है और हाइट सिलेक्ट करना है, और उस रेडियस की, आप इस रेडियस और हाइट की हेल्प से आप पेन पेज की मदद से आप लोग सिलेंडर बना सकते हैं, बताइए, सिलेंडर बना सकते हैं, बताइए, सिलेंडर बना सकते हैं ना, पेज की हेल्प से, पन जो आपका न्यूज पेपर होता है या कोई भी पेज की हेल्प से, ठीक, आप ले सकते हैं उसकी हेल्प से, आप लोग क्या कर सकते हैं, एक आप इसका सिलेंडर बना सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक आपको कोन भी बनाना है, क्या बनाना है, कोन भी बनाना है, आप कोन भी बना सकते हैं, और जब आप देखेंगे, अब इसमें आपने क्या किया, सपोज मैं मान लेता हूं, इसमें आपका अगर 9 लीटर, अगर आपका आपने मान लीजिए, सपोज कि आपने बना लिया, आपने सिलेंडर बना लिया, ठीक है, आपने सिलेंडर बना लिया एक, और एक क्या बना लिया, कोन बना लिया, कोन बना लिया, इसमें भी आपने क्या किया, इसमें आपने वाटर डाला, आपने वाटर भी, इसमें भी वाटर डाला, और क्या किया, इसमें भी आपने क्या डाला, वाटर डाला। अब वाटर का जो वॉल्यूम है आपने कैलकुलेट किया, किससे कैलकुलेट करेंगे सर, आपने क्या किया, आपके पास मेजरमेंट है, आपके आसपास दूध वाला आता है ना, तो दूध वाले के पास एक नापने वाला क्या रहता है, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं उसको, लेमन लैंग्वेज में उसको क्या बोल सकते हैं, एक होता है ना, देखे हैं आप लोग, जो मिल्क मैन होता है वो दूध नाप कर देता है, आपके पास इस टाइप का एक केतली जैसा होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हैंडल होता है, होता है ना इस टाइप का, बताइए, होता है ना, हाँ हाँ ठीक है, ओके, तो आप उसको आप जानते हैं। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, सब एक मिनट, ये आपके पास सिलेंडर हो गया, ये आपके पास सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया, कोन हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, अगर इसमें 9 9 मीटर क्यूब, यानी अगर 9 लीटर आपको मान लीजिए पानी इसमें, इसमें पूरे में, इस पूरे सिलेंडर में आपको 9 लीटर, मान लीजिए अगर आपको 9 लीटर इसमें पानी इसमें जा सकता है, ठीक है ना, इसमें, और इसमें अगर इन दोनों का हाइट और रेडियस सेम रखिएगा ना, इसमें कितना जाएगा, इसका हाइट भी सेम रखना है और इसमें क्या करना है, हाइट भी सेम रखना है और रेडियस भी सेम रखना है, तो इस केस में इसमें 3 लीटर वाटर जाएगा। नहीं समझ आया, मैं फिर से बता रहा हूं,
मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए आपके पास एक क्या करना है, आपके पास एक सिलेंडर है, क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, आपके पास एक सिलेंडर है, एक कोन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, आपके पास सिलेंडर है और आपके पास एक कोन है, ठीक है, और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों का रेडियस सेम है, कौन सा रेडियस, बेस रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है ना। अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और हाइट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, दोनों को क्या करना है, रेडियस सेम रखना है और हाइट भी क्या रखना है, सेम रखना है। यहां तक क्लियर है, बताइए, दोनों का हाइट और रेडियस सेम रखना है। तो अगर इसमें 9 लीटर वाटर जा सकता है तो इसमें 3 लीटर जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा ना, जितना इसका वॉल्यूम होगा, इस फिगर का, इस जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, उसका तीसरा हिस्सा, मतलब 1/3 किस में होगा, 1/3 आपके इस कोण में होगा। समझ आया, बताइए, समझ आया, मैं फिजिकली में बता रहा हूं। मैं चाहता तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला देता कि ये जाओ याद कर लो और क्वेश्चन बना लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं इसलिए नहीं करना चाहता ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको टाइम मिले तो ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और अपने दोस्त को दिखाइएगा कि मैं एक आपको चीज, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं ऑफलाइन प्रेजेंट होता, अगर ऑफलाइन प्रेजेंट होता तो ये मैं आपको करके दिखाता कि कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें हाँ, बेशक इसमें टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो समझ आ रहा है ना, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 होता है। इसको आप एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर है, बताइए, क्लियर है। मैं चाहता तो यहाँ पे सिर्फ आपको वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम बता सकता था, लेकिन ये आपको समझ आया। जय धीरज, दिविजेश, तनुश्री, अविघ्ना, आप लोगों को आया, अगर अगर नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। आपको इसमें क्या कंडीशंस रखनी है, फाइनली क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है, दो कंटेनर, एक सिलेंडर है और एक कोन है, एक सिलेंडर है, एक कोन है, और दोनों का हाइट और रेडियस सेम है, दोनों का हाइट और रेडियस क्या है, सेम है, दोनों का हाइट और रेडियस सेम है। तो हमको अगर इसमें जितना मटेरियल जा सकता है, उसका 1/3 मटेरियल इसमें जा सकता है, समझ आया ना, बस यही सिंपल कंसेप्ट है। और ये आपको ध्यान में रखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और फाइनली आप कोन ऑफ वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं, आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है, ऑफ कोन, कोन क्या होगा, आपको फाइनली क्या याद रखना है, पाई 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये दिख रहा है ना, ये जो टर्म आपको दिख रहा है पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, और सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कर दीजिए तो आपको कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। समझ आया ना, क्लियर है। आप देखिए नेक्स्ट हमको अब कुछ याद रखना है, एरिया ऑफ बेस कोन, मतलब बेस ऑफ ए कोन, आपको मालूम है कि जो कोन का नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, एक सर्किल तो होता है, ये जो आपका पोर्शन है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या, ये तो सर्किल ही ना होता है, तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वही यहाँ पे बेस, बेस का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, पाई आर एल, पाई आर एल, एल क्या है, एल यहाँ पे इसका, एल आपका ये है, एल क्या है, जो आपका स्लैंट हाइट है, कहने का मतलब है कि एल, आप समझ रहे हैं ना, एच और आर तो जानते हैं आप, एल जो होता है ना, एल जो होता है आपको यहाँ पर,
एल आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपका मान लीजिए कोण है, ठीक है ना, कोण है। तो आप तो रेडियस तो जानते हैं, हाइट भी जानते हैं, जो ये हाइपोटेनस है ना, आप बोल सकते हैं इसको हाइपोटेनस, इसको एल बोला गया है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो एल आपको मालूम होना चाहिए। अगर एल नहीं मालूम है तो आर और एच की हेल्प से एल निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। एल और आर और एच में क्या रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे एच नहीं एल है, एल जो है ना हाइपोटेनस का काम करेगा, जिसको क्या कौन सा लेंथ बोलते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। झुका हुआ जो होता है ना, झुका हुआ जो आपका हाइट है उसको एल बोला जा रहा है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया, देखिए बेस का रेडियस क्या है, पाई आर स्क्वायर है और पाई आर एल है, इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिएगा ना तो ये आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है, कोई टर्म कॉमन है ना, इसमें टर्म कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, एक एक आर कॉमन है, इसमें तो दो आर है ना। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर लिख सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, पाई आर जोड़ एल, ठीक है ना। इसी को क्या किया गया है, थोड़ा सा कंसाइज करके इसमें जो जो टर्म कॉमन लेने लायक है उसको हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिख दिया, वॉल्यूम का तो मैंने बता ही दिया। समझ आ गया ना, समझ आ गया, समझ आ गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए इसमें आप मेरे को ये बताइए, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। देखिए ये आपके पास एक कोन है, क्या है आपके पास एक कोन है, कोन मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस टाइप का कोन है, ये कोन हो गया। ये क्वेश्चंस आपको अभी करने हैं, देख मैं तो ये देखूं मैंने जो मेहनत किया, मैंने इतना देर से जो बताया आप समझ पाए कि नहीं, ठीक है। इसका ये क्या है, रेडियस है, आर कितना दिया हुआ है, आर आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप मेरे को इसका वॉल्यूम बताइए, आप मेरे को इसका वॉल्यूम बताइए, इसका वॉल्यूम बताइए, ये क्या है आपका, एच है। मैं आप लोगों का आंसर का इंतजार कर रहा हूं, आप बताइए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं आपको, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर देना है, देखते हैं कौन बच्चा ये भी कर पाता है। समझ आ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आ गया, इसका आप लोग बताइए कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। यूनिट के साथ भी आपको आंसर लिखना है कि सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्या होगा, आप मेरे को यह भी आंसर बताइएगा।
सारे लोग बनाए इसको। हाँ और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या होगा। एक बच्चे ने अभी तक आंसर दिया है, और बताइए। आया सभी लोगों का आंसर? तो इसका आंसर होगा 176/3, यानी 58.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? तो कुछ बच्चे इसका आंसर दिए हैं आप लोग, वेरी गुड। मैत्रेय ने दिया है, जय। और लोग क्या कर रहे हैं? धीरज, धीरज आपको समझ आया? अविघ्न, ऋषि, ओके। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। इसमें बेसिकली बहुत सिंपल है। आपको फॉर्मूला में देखिए, पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, तो इसको मैं देखिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7 r². r का वैल्यू मैंने 2 दिया है, into 2। और h का वैल्यू कितना दिया है मैंने? h का वैल्यू मैंने आपको दिया हुआ है, h का वैल्यू मैंने दिया है 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 14 हो जाएगा, 23। ठीक है ना? इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 176 आएगा, और ये आ जाएगा कितना? ठीक है, और ये आ जाएगा 3। देखिए इसको कैसे करेंगे, 7 2 जा, ठीक है, और इसको आप कीजिएगा तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होता है, ठीक है ना? वॉल्यूम को कभी भी क्यूब में हम लोग डिनोट करते हैं। समझ आया आप लोगों को? समझ आया कैसे इसको बनाते हैं? अब देखिए, आपको कभी कभी ना स्लैंट हाइट पूछ देगा, ठीक है ना? स्लैंट हाइट कौन सा, कि मैंने आपको तो समझाया है कि स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं। अगर आपके पास, देखिए, आपके पास एक
एक आपके पास ये क्या है, कोन है, कोन है ना, कोन का कोन है और इसका हाइट दिया हुआ है, कहने का ये आपका, इसका रेडियस दिया हुआ है, ये इसको रेडियस है और इसका हाइट कितना है, हाइट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो ग्रीन कलर से हमने किया, हाइट दिया हुआ है। तो स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, ये तो सिंपली हाइट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिंपली एच बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, और ये जो है ना स्लैंट हाइट बोलते हैं, जो मैं ये जो है ये वाला कौन सा है, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है ना, ये क्या है, स्लैंट हाइट है। तो इस स्लैंट हाइट तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करना है, समझ आया ना। और इस केस में स्लैंट हाइट को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, एल से डिनोट कर रहे हैं। तो एल का वैल्यू आपको तो मैंने बताया है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो सिंपल है, ठीक है ना, ये तो आपको सिंपल है, ठीक है, समझ आया ना। आप देखिए वही बेसिक चीजें हैं, स्लैंट हाइट पूछा पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगा देना है, आपको 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, तो कर्व सरफेस एरिया आप देखिए पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.14, तो आप पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू लिख सकते हैं 22/7, और इसको डेसिमल में भी लिखा जा सकता है 3.14, ठीक है ना, 3.14, और आप चाहें ना तो पाई का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल भी निकाल सकते हैं। आप जानना चाहेंगे पाई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कौन कौन इंटरेस्टेड है बताइए, पाई का वैल्यू बता सकता है कोई कि कैसे निकाला जाता है, पाई का वैल्यू जानते हैं कैसे वो निकला हुआ है, पाई का वैल्यू कि ये पाई जो होता है आपका, ओके, और कितने बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं एक्चुअली में ये कैसे निकाला जाता है, बताइए। धीरज आप जानते हैं, ओके, देखिए मैं इसको बताने वाला हूं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके पास क्या वो धागा, समझते हैं धागा, धागा आप लोग जानते हैं, ओके वेरी गुड। देखिए मैं इसको सर्किल से मैं बता रहा हूँ, सर्किल का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सर्किल का पेरीमीटर आप लोग जानते हैं 2πr, 2πr क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ओके वेरी गुड, थ्रेड बोलते हैं, 2πr क्या होता है ये बता सकते हैं, सर्किल का क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, आप इसको घर पे कीजिएगा, आप इसको घर पे, हाँ आप सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्किल के केस में, और रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल स्क्वायर केस में इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, और लेमैन लैंग्वेज में इसको कभी कभी सर्किल के केस में भी आपको क्या बोला जाता है, पेरीमीटर बोला जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, क्या कीजिएगा आप, सर्किल कैसे ड्रॉ कीजिएगा, इसको आपको घर पे करना है, जो बच्चे एक्साइटमेंट हैं इस पाई का वैल्यू निकालने के लिए वो करेंगे घर पे। आपको क्या करना है, एक रेडियस लेना है, कौन सा रेडियस, आर बराबर कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर, कितना लीजिएगा बताइए, 5 सेंटीमीटर आपको एक रेडियस लेना है, और क्या करना है आपको, रेडियस लेकर इसको सर्किल ड्रॉ करना है, समझ आ रहा है ना, ये सिर्फ मैं पहले 5 सेंटीमीटर का मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर का क्या किया, रेडियस लिया, समझ आ रहा है ना, 5 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस लिया, ओके चलिए हमको क्या फाइनली निकालना है, हमको निकालना है, हमको, और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये प्रिसाइडली करना है, कि थोड़ा सा भी इरर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सही ढंग से कीजिएगा घर पे, तो आपको ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब देखिए
अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है इसके बाद। आप देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, एक सर्किल ड्रॉ करना है। मैं सर्किल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सर्किल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हो गया सर्किल, हो गया मेरा सर्किल, हो गया मेरे। मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का क्या किया हमने, सर्किल ड्रॉ कर लिया। 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या किया, सर्किल ड्रॉ कर लिया। इसको कहाँ पे करना है आपको, पेज पे करना है, मैंने अभी कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक सर्किल पे कहीं पॉइंट सेलेक्ट करना है, समझ गए हैं ना, एक सर्किल पे कहीं भी एक छोटा सा पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया ना, समझ आया, सेलेक्ट समझ आया। मैंने एक क्या किया, एक सर्किल पे पॉइंट कर लिया। अब आपको क्या करना है, धागा थ्रेड लेना है, पतला सा धागा लेना है। अब उस धागे को क्या कीजिएगा, इसके चारों बगल, मतलब चारों बगल का मतलब देखिए, मैं जो यहाँ पे ये धागा है ना, इस पे लपेट रहा हूँ, इस सर्किल पे धागा मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको, इस सर्किल को इसको ढक रहा हूँ, ठीक है, इस सर्किल को ढक रहा हूँ, प्रिसाइडली ढक रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको। मैं इसको किससे कर रहा हूँ, धागे से कर रहा हूँ, थ्रेड से कर रहा हूँ। कब तक करता रहूंगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे जाके खत्म कर देना है, समझ आया। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ हुआ बताइए, इतना हो गया, अच्छी बात है। अब क्या करना है, उस धागे को जितना सर्किल में लिपटा हुआ है उतने धागे को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर ये तो धागा आपका ऐसे जाएगा ना, ये तो धागा खुलते, यहाँ से क्या करेंगे, कट कर लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे, और इतने धागे को क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, बाहर आपका धागा। अब इसको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे रखना है, इसको स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं, इस धागे को, इस धागे को स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं बताइए, इस धागे को स्ट्रेट लाइन में आपको रखना है, ये समझ गया ना। पहले ये धागा कैसा था, सर्कुलर था, अब इसको हमने क्या किया, सीधा हमने कर दिया। अब इस धागे को क्या करना है, इसको मेजर करना है, किससे मेजर करेंगे, स्केल से, किससे मेजर करेंगे, स्केल से, किससे मेजर करेंगे, स्केल से। ये तो मैंने अभी जो मैं मेजर कर रहा हूँ ये तो अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ ना, आपको ये सब सही में आपको करना है। मैं तो आपको यहाँ पे तो वो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने मान लीजिए कुछ आया, आपने इसका पेरिमीटर नाप लिया ना, सरकमफेरेंस नाप लिया ना, मेजर कर लिया आपने, सरकमफेरेंस मेजर किया ना, सरकमफेरेंस मेजर कर लिया आपने, कैसे किया, आपने धागे की हेल्प से किया, थ्रेड की हेल्प से। अब आपको मालूम है, आपको मालूम है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर क्या होता है, क्या होता है, सरकमफेरेंस, और आपने तो सरकमफेरेंस तो निकाला हुआ है, कैसे निकाला, अभी तो निकाला, अभी तो यहाँ पे मेजर किया, यहाँ पे मेजर किया, कुछ आया मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, ये मैं आपको ये 20 सेंटीमीटर मैंने मान लिया आ गया, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर मान लीजिए आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब इसको आपको किसका वैल्यू निकालना है, पाई का वैल्यू, तो पाई को यहीं पे रहने देंगे और 2 आर से डिवाइड कर देंगे, 2 आर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू आपको मालूम है, बता सकते हैं कितना है, आर का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू 5 है। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, ये 20 नहीं है, ये 20 कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ आप जब मेजर कीजिएगा वो आपको लिखना है, आपने इस जो धागे को आपने मेजर किया उसको लिखना है, किसको मेजर किया आपने, धागे को मेजर किया उसको लिखना है। यहाँ पे आप जैसे ही लिखिएगा और 2 आर से डिवाइड कीजिएगा, आपका जानते हैं कितना आंसर आएगा, आपका आएगा 3.14, ठीक है ना, 1.4 के करीब आएगा, कितना आएगा, 1.43 कुछ ऐसे आएगा, समथिंग समथिंग समथिंग, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 3.1 के बाद आएगा, समझ आया कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह मैथमेटिशियन ने क्या किया, आपने तो एक फिगर से निकाला, उन लोगों ने हजारों फिगर बनाए, ठीक है ना, और बारी बारी से उन्होंने क्या किया, पाई का वैल्यू निकाला, पाई का वैल्यू एक्चुअली में अप्रोक्स आता है, ठीक है ना, इसमें आप चाहें तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, समझ आया।
मैं तो है आपको समझ आया जय दिविजेश, कि मैं फिर से बताऊं, बोलिए। तो पाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू आपको आप देखना चाहेंगे, पाई का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, मतलब पॉइंट में देखिए ये पाई का वैल्यू उतना होता है। आपको दिख रहा है स्क्रीन में, स्क्रीन में दिख रहा है पाई का वैल्यू, दिख रहा है ना, पाई का वैल्यू दिख रहा है आपको, पाई का वैल्यू दिख रहा है आपको स्क्रीन में। लेकिन हम लोग कितना लिखते हैं, 3.14 ही लिखते हैं, ठीक है ना, 3.14 ही लिखते हैं। इसका बहुत बड़ा मतलब जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। और इसको क्या किया जाता है, 22/7 लिखा लिख दिया जाता है, कि बच्चों को मतलब हम लोगों को कैलकुलेशन में क्या हो, तकलीफ नहीं हो, आसानी से हो जाए, ठीक है। देखिए 22/7, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर का इसलिए हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। 22/7 का वैल्यू भी देखिए कितना आता है, दिख रहे हैं, 3.14 के आसपास आ रहा है ना, 3.14 के आसपास आ रहा है ना। उसी तरह पाई का भी वैल्यू देखिएगा कितना आएगा, देख रहे हैं ना, दोनों में फिर भी फर्क है, दोनों में क्या है, दोनों में फिर भी फर्क है, दो पॉइंट के बाद दोनों में क्या है, फिर भी फर्क है, देख रहे हैं ना, दोनों में फिर भी फर्क है। तो आपको अप्रोक्सीमेट लेते हैं, ठीक है। इसमें और एक और मैं दिखा रहा हूं आपको, और 22/7, 22/7 देख रहे हैं ना, मैंने कमेंट बॉक्स में डाला है, दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों का शुरुआती कॉमन है 3.14, इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं, 22/7, ठीक है ना। समझ आया, समझ आया ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पाई का वैल्यू 22/7 क्यों लेते हैं, क्योंकि वो करीब करीब होता है। समझ आया ना, समझ आया। अब देखिए आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 9.2, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 9.2, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे, ठीक है। आप किन किन को बाई ऑनेस्टली मालूम था पाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं तो है आपको मालूम था पाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिविजेश आपको मालूम था, अविग्ना, धीरज, ओके। तो आप लोगों का होमवर्क तो ये आपको सीखना है, आप इसको प्रैक्टिकली एक बार घर पे कीजिएगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। और अपने दोस्त को, फ्रेंड को, रिलेटिव को भी बता सकते हैं कि कैसे पाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ये क्या है, इसको आप गेम जो हम लोग खेलते हैं ना, माइंड गेम में इसको आप लोग खेल सकते हैं, ठीक है ना। किसी से आप टास्क दे दीजिए कि आप पाई का वैल्यू कैसे निकालिएगा, अप्रोक्स जो 3.14 होता है, ये सब आप लोग कर सकते हैं, इससे आपका मानसिक तौर पे बहुत विकास होगा आपके माइंड का। चलिए तो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट रहेगा 9.2। तो आज का क्लास यही, सॉरी प्रैक्टिस, मैं कमेंट बॉक्स में लिख देता हूँ और आपको आप मैं अपडेट कर दूंगा, 9.2, ठीक है। तो आज के क्लास सेम पेंट करते हैं।